جہانگیر تاریخ اور جنوری کی 26 تاریخ ہے. بہت سارے بچے اور بچیاں آدھے آدھے کپڑے پہن کر جا رہے تھے. صبح ہی صبح راستے میں دیکھے ننگے ہو کے جا رہے ہیں, اسلامی لباس چھوڑ کے جا رہے. دشمنان اسلام کی یاد تازہ کر رہے, اپنے کپڑوں سے اپنے چلنے سے. یہود و نصاریٰ کی شکلیں بنا بنا کے جا رہے, قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کلکم راعی و کلکم مسئول رعیتہ, حدیث پاک میں تو صاف صاف بالکل قرآن پاک کی تفسیر بتلا دی. تم سے پوچھ تاچھ ہوگی, تمہاری گرفت ہوگی, تم سے پوچھا جائے گا تمہارے ماتحت کے متعلق. اپنے بیو بچوں کو تم نے کیا راستہ دکھایا ہے؟ میں ڈاکٹر بنانے سے نہیں منع کر رہا ہوں, میں انجینئر بنانے سے نہیں منع کر رہا ہوں, میں وکیل بنانے سے نہیں منع کر رہا ہوں. آپ کچھ بھی بنائیں مگر مسلمان بنیں. آپ تاجر بنائیں, آپ ملازم بنائیں, آپ ڈاکٹر بنائیں, آپ ماسٹر بنائیں, لیکن اللہ کے واسطے مسلمان بنائیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر تھے مگر میرے جیسے کو پتہ نہیں کتنا کو گھٹا دیا انہوں نے. ایسا ڈاکٹر کیا برا ہے, پتہ نہیں کتنے دنیا کو رستے پہ لگایا ہے ڈاکٹر صاحب نے. تو ہمیں ڈاکٹر سے نہیں, ڈاکٹر ہونے سے نہیں منع کرتا ہوں, میں ماسٹر ہونے سے نہیں منع کرتا ہوں. اللہ کے واسطے اپنی جان اپنے اوپر رحم کھاؤ, اپنے اوپر رحم کھاؤ. حضرت تھانی رحمۃ اللہ لکھا ہے, حاجی صاحب خوش ہیں میں نمازی ہوں, اور نمازی صاحب خوش ہیں کہ میں نمازی ہوں, اور بچوں کو یہود و نصاریٰ بنا دیا ہے, جب کل ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو حاجی صاحب اور نمازی صاحب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. ان بچوں کو جہنم ہی کیوں بنایا؟ جہنم سے تو بچانے کے لیے حکم دیا تھا, جہنم سے بچانے کا حکم دیا گیا. سنو, غور سے سنو, حضرت تھانی رحمۃ اللہ لکھا ہے, یہ جہنم سے بچانے کی بات بتا رہا ہوں, بہت بری گھڑی ہے وہ جس میں آدمی اپنے خالق, اپنے مالک, اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کرتا ہے. جس گھڑی میں یہ گناہ کرتا ہے, جس گھڑی میں یہ مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آدمی کے لیے وہ گھڑی بہت بری لکھی. ارے
लिखा है थानी रहमतुल्लाह अलैह ने, लापरवाही में आदमी एक सगीरा गुनाह करता है, फिर लापरवाही में कबीरा पर पहुंच जाता है, फिर वह आदमी के कुफ्र का जरिया बन जाता है नऊज़ुबिल्लाह। ये जो आम शिकायतें हैं, बीवी नाफरमान है, बातें नहीं मानती है, पर्दा नहीं करती है, बेटी भी नाफरमान है, बच्चे भी नाफरमान है, इसकी वजह भी ये लिखी है थानी रहमतुल्लाह अलैह ने, मातहत नाफरमान हो जाते हैं। जब अल्लाह की नाफरमानी होती है, जब आदमी अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो उसके मातहत उसकी नाफरमानी करते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, वो सवार हुए, घोड़े पे सवार हुए, वो गड़बड़ करने लगा, फरमाया भाई आज मेरे से कोई गुनाह जरूर हुआ है, जो मेरी सवारी गड़बड़ कर रही है इसका मतलब ये कि मैंने आज गड़बड़ की है भाई। इन गुनाहों से बचना, आमाल सवालिहा में लगना, ये अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को नारे जहन्नम से बचाने की एक कोशिश है। अच्छा तुम ही बताओ, जो माँ की नाफरमानी कर रहा है वो माँ की कुर्बानियों को नहीं जानता है, जो बाप की नाफरमानी कर रहा है वो बाप की कुर्बानियों को नहीं जानता है कि उसने कैसे अपनी जवानी पीस पीस के खिला के बच्चों को जवान बनाया, माँ ने किस तरह खून जिगर पिला के बच्चों को परवान चढ़ाया, वो जानते नहीं, इसलिए नाफरमानी कर रहे हैं वो लोग। और जो आंखों देखा एहसान न माने, जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं है। क्या ये यहूद नसारा के कपड़े पहनकर और इन कालीजों में जाकर डांस करने से उनका शुक्रिया अदा होगा जिन्होंने कुर्बानी दी थी भाई दोस्तों इसको आज़ाद कराने में? हम जानते नहीं उनकी कुर्बानियों को, जिस तरह नाफरमान बच्चे अपने माँ बाप की कुर्बानियों को नहीं जानते हैं, इसी तरह हम भी नहीं जानते हैं कि हमारे अकाबिर ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये नाचने कूदने से तो बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी है, वरना तो आज कहाँ ये मस्जिद आबाद रहते, कहाँ ये मदरसे आबाद रहते, कहाँ ये मराकज आबाद रहते। ये तो ऐसा ही हाल बन जाता जो रूस में 70 साल तक कैदो बंद में रहे हैं, न अजान पढ़ने दी है, न नमाज पढ़ने दी है, न जमात करने दी है, न कुरान पाक पढ़ने दिया है, 70 साल तक कैदो बंद में रूस रहे हैं। वही हाल यहाँ बनाने की कोशिश थी, इसीलिए तो कदम उठा था हमारे अकाबिर ने। ये उन्हीं की कुर्बानियों की बरकत है जो आज ये मराकज़ जिंदा है, मदारिस जिंदा है, मसाजिद आबाद है, कुछ मुसलमानों के चेहरों पर दाढ़ियाँ नजर आ रही। क्या उनका शुक्रिया ये है कि अपने बच्चों को नंगा बना के नाच करे 26 जनवरी में? सोचो, गौर करो, फिक्र करो। अरे इससे अच्छा तो ये था कि उन शुहदा के वास्ते अपने आप और अपने बच्चों को घर में बैठा के कुरान पाक पढ़ के उन्हें सवाब पहुंचा देते। वला तकूल लिमन यक्तुल फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। जिन्होंने अल्लाह के नाम पर कुर्बानियां दी है, अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया है, उनका शुक्रिया तो ये था कि कुछ आज के दिन में इस 26 जनवरी में कुरान पाक पढ़ के उन्हें सवाब पहुंचाते। और हम गुनाह कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को यहूद और नसारा बना रहे, ये उनका शुक्रिया अदा करना है भाई? सोचो जरा, सोचो भाई दोस्तों, जिस तरह वो जो है वो 10 मुहर्रम में कूदने वाले कूदते रहते हैं, ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का शुक्रिया अदा कर रहे हैं भाई। इस तरह वो बेचारे बस छाती पीटते रहते हैं, तमाशा लोगों को दिखाते रहते हैं, क्या इससे उनकी रूह को सुकून पहुंचेगा? अरे भाई 10 मुहर्रम में बैठ के कुरान पाक पढ़ के उनकी रूह को सवाब पहुंचाया जाए, उससे उनको सुकून मिलेगा। ये माँ बाप की कमजोरी है, ये हमारे ईमान की कमजोरी है।
ये हमारे ईमान की कमजोरी है। जिसके हुस्न में कमजोरी होती है वो करीम पाउडर मलता है। अरे करीम पाउडर कौन मलता है जिसके हुस्न में कमजोरी है? तो यहूद और नसारा के कपड़े पहनकर इनको नंगा बनाकर, इनको नंगा बनाकर ये भी एक किस्म का मेकअप कर रहा है मुसलमान। अल्लाह हिदायत नसीब फरमा। कैसी कैसी कुर्बानियां दी है ये तो आप लोग पता नहीं कितने मर्तबा सुनते आए हैं कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कैसी उन्होंने कुर्बानी दी है। क्या उनका हमारे ऊपर हक बैठता है? हम कितने इसके मुस्तहिक हैं कि हम उनके वास्ते कुछ पढ़कर कुछ उनको सवाब पहुँचाएँ, उनका शुक्रिया अदा करें? किस तरह उनका शुक्रिया अदा हो अपने बच्चों को ये बताने की चीज़ थी। बच्चों यहूद और नसारा की तरह कपड़े पहनने से उनका शुक्रिया अदा नहीं होने का, कॉलेज में जाके डांस करके जी ये उनका शुक्रिया अदा नहीं होने का। अरे कुछ कुरान पाक पढ़ते, आज तो वैसे भी जुमे का दिन, सुभान अल्लाह, एक के एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो तो 70 इनाम मिल रहे, 70 नेकियां मिल रही, 70 गुनाह माफ हो रहे, 70 दर्जे बुलंद हो रहे। ये तो ऐसा बाबर का दिन था। इस जी इस दिन में तो अपने आप भी अपने घर वालों को भी नारे जहन्नम से बचाने की कुछ कोशिश करते। और जिन बुजुर्गों ने, जिन शुहदा ने कुर्बानियाँ दी है ये शायर इस्लाम और मज़हब इस्लाम की हिफाजत के लिए, उनके वास्ते कुछ इसाल सवाब करते। ये थी भाई मुसलमानी। बड़ा भारी नुकसान है कि भाई दोस्तों हम गुनाह में लग गए, और कुछ गुनाह तो ऐसे हो गए एहसास भी नहीं है कि ये कोई गुनाह की बात है, एहसास ख़त्म हो गया। फिल्मी गाने सुन रहे हैं, दोपहर में आराम नहीं और ईशा के बाद जल्दी सोना नहीं, सुबह को तो ईशा का नमाजी भी बेनमाजी बन जाता है। जो इन फिल्मी गानों में लगता है वो कुरान पाक से महरूम हो जाता है। एहसास खत्म हो गया कि कितना बड़ा गुनाह है ये। जिस तरह खेती में पानी, इस तरह पानी से खेती उगती है, इस तरह इन गानों से अंदर में निफाक उगता है। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल असफल मिनन नार, जो मुनाफिक है ना, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में उसको रखा जाएगा। अल्लाह हिफाजत फरमा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जो अपने पास गाने वाली रखता है उसको वो मर जाए तो उसके नमाज जनाजा भी मत पढ़ो। आज नंगे नाच देखे जा रहे, नंगे नाच देखे। नतली रसी अल्लाह तन के फतवे के मुताबिक ये इस काबिल नहीं है कि इनके नमाज जनाजा पढ़िए। सोचो, गौर करो, फिक्र करो, जहन्नम से बचने की कोशिश है या जहन्नम में जाने की कोशिश है? अपने आप को भी बचाओ, अपने भी बच्चों को भी बचाओ, नारे जहन्नम में जाने से बचाओ। अब बचाने का तरीका क्या है? अवामिर की बजा औरी, जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया उनको करना और जिनसे मना किया उनसे रुकना। इसी तरह बेपर्दगी वो गुनाह है। एहसास ख़त्म होता जा रहा है, दुकानों पे अपनी जवान लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता है और उनको बाजार की जीनत बनाया जाता है अपने साथ ले जाकर, यहूद और नसारे के कपड़े पहनाकर अपने साथ ले जाकर उनको जो है वो बाजार की जीनत बनाया जा रहा है। शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनका भी इंतकाल हुआ है, ईद के बाद एक जगह पर कहा कि ये कुछ औरतें बैठी हुई है, इनमें कुछ दीन की बात कर लो। फरमाया भाई पर्दा नहीं है, अजय तो सब नकाम में है। फरमाया मैं तो नहीं इनको देख रहा हूँ, ये तो मुझे देख रही है। औरत के लिए ये जेबा है, ना इसको कोई गैर महरम देखे ना ये किसी गैर महरम को देखे। आज हमारे घरों का क्या हाल है?
احسن فتاوی میں لکھا ہے جو آدمی اپنے گھر کے اندر شرعی پردے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، جو روزانہ نہیں سمجھاتا ہے اما جی پردہ کرو شریعت کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے، اپنی بہن کو نہیں سمجھاتا ہے پیار محبت سے یہ اللہ کا حکم ہے پردہ کرو، اپنی بیوی کو نہیں سمجھاتا ہے اپنی بیٹی کو نہیں وہ مانے نہ مانے، وہ مانے نہ مانے، تمہارا کام ہے کہنا، یہ گناہوں سے رکے نہ رکے اللہ کا عذاب رک جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ صِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا، جب عذاب ٹوٹے گا تو خاص طور سے گنہ گاروں پر نہیں ٹوٹے گا، ارے اس عام ہوگا پھر وہ عذاب۔ اس لیے روزانہ اپنے گھروں میں یہ اعلان کرنا، پردے کا اہتمام کرو، جس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے وہ پردے کا اہتمام کرنے کے لیے روزانہ اعلان کرے، کوئی مانے نہ مانے، ہماری ذمہ داری منوانا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری کہنا ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو سمجھائے پردہ کرو پردہ کرو۔ جو آدمی شرعی پردے کا اہتمام نہیں کرتا، جنت و جنت، جنت کی بو بھی نصیب نہیں ہونی۔ یہ حسن فتاوی میں بڑے مدلل طریقے سے لکھا۔ اسی طرح فوٹو بازی ایسا عام گناہ ہو گیا ہے، ایسا عام گناہ ہو گیا ہے، ایسا سی ختم ہے کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے، اب تو ہاتھوں میں آ گیا ہے کیمرے جس کے دیکھی تصویر کھینچ لی، جہنم میں جانے کے کام ہے، یہ جہنم سے بچانے کے کام ہے، خود سوچو بھائی دوست۔ سود ایک عام ایسا عام ہوتا جا رہا ہے جس کی دعوت دی جا رہی ہے، سود کے بغیر کام چلا کے دکھا دو، لون کے بغیر کام چلا کے دکھا دو، لون کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے، سود کی دعوت دی جا رہی جس پر اعلان جاگے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، ہے کسی مطابقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس کو عام کیا جا رہا، اس کی دعوت دی جا رہی، چوری اور سینہ زوری، یہ جہنم میں جانے کے کام ہے، یہ رکنے کے کام ہے بھائی دوستو۔ ارے روزانہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک مرتبہ سب چیزوں کا مذاکرہ ہو جائے، یہ اپنے جوانوں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، ان کی ذہن سازی کرو، بھائی جہنم سے رکنے کے کام کر لو، بھائی جہنم میں جانے کا کام نہ کرو، میری جان پہ بھی رحم کھاؤ، اپنی جان پہ بھی رحم کھاؤ۔ تخنے سے نیچے پاجامہ لنگی کھینچنے کا عام رواج بنتا جا رہا، بالکل احساس ختم ہے کہ یہ کوئی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ۔ ایک آدمی کو زمین میں دھسا دیا گیا اسی بنا پر کہ وہ اکڑ کے چل رہا اور اس کی لنگی نیچے کھینچی جا رہی، احساس بالکل ختم ہے کہ اس کا پاجامہ کہاں جا رہا ہے۔ داڑھی کاٹنے کا عام رواج، داڑھی کاٹنے کا عام رواج، ایک مٹھی سے کم داڑھی نہیں ہوتی ہے، عام رواج ہو رہا تھا داڑھی، احساس ختم، خوش ہو رہے داڑھی کاٹ رہے اور خوش ہو رہے، کہاں چلی گئی ایمانی حرارت، کیسے یہ ایمان جہنم سے بچائے گا؟ کوئی احساس نہیں، جہنم کیا چیز ہے، دوزخ کیا چیز ہے، کوئی احساس نہیں، احساس ختم ہوتے جا رہے ہیں بھائی دوستو۔ تو ان گناہوں سے بچنا اور بچانا یہ جہنم سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا طریقہ ہے بھائی دوستو۔ ان گناہوں میں لگنا، اپنے بچوں کو لگانا یہ جہنم میں جانے کی تیاری کرنی ہے۔ ایک گناہ بھی جنت سے محروم کرنے کے لیے اور جہنم میں پہنچانے کے لیے ایک گناہ بھی کافی ہے، اتنا خطرناک ہے یہ چیز، یہ گناہ کرنا۔ جھوٹ بولنا عام ہوتا جا رہا ہے، موبائل پر اور سہولت ہو گئی ہے جھوٹ بولنے میں، ہوتا کہیں ہے بتاتا کہیں ہے، یہ جھوٹ، ایمان اور جھوٹ یہ جمانی ہوتے ہیں بھائی دوستو، بتائیے بتائیے کیسا ایمان ہے بھائی، ایمان اور جھوٹ جمانی ہوتے مشکا شریف میں۔ بے نماز تو بچارے بے نمازی ہے ہی، ہمارے تو بچارے نمازی بھی صبح کو بے نمازی بن جاتے ہیں، نماز کا قضا کر دینا بھی کبیرہ گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کوئی احساس نہیں ہے، نماز قضا کر دیتے ہیں نمازی بھی، ارے
काम तो ये था कि बेनमाजों की खुशामद कर लो, दाढ़ी काटने वाले के पैर पकड़ लो, हमारा सबसे बड़ा हथियार ये है, इनकी खुशामद कर लो जी, जो दाढ़ी काट रहे इनकी खुशामद कर लो, इनके पैर पकड़ लो, इनकी दाढ़ियाँ इनके जट इनकी जट ठोड़ियों में हाथ डाल लो, इन बेनमाजियों की खुशामद कर लो, इनको नमाज पे ले आओ, किसी के अब्बा नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ाना उनकी खुशामद करो, उनके पैर पकड़ो, इंशाल्लाह आज निकल कल नहीं परसों नमाज पे आएंगे, ये जो गुनाह के कामों में लगे हुए हैं इनकी खुशामद कर लो, ये खुशामद करना काम आएगा, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में हाथ बटाना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी हर उम्मत का दर्द है। अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु कितने खुश होंगे कि एक जो है उनके खोए हुए बंदे को अल्लाह से मिला देना, किसी का बच्चा भाग जाए कोई पकड़ कर ले आए तो माँ बाप कितने खुश होते हैं, ना फरमान के बंदा था तुमने उसको फरमा बरदार बना के अल्लाह से जोड़ दिया है, कितना बड़ा सवाब मिलेगा आपको, अल्लाह कितने खुश होंगे। बस मुख्तसर ये है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमा एक तदबीर कर लो, एक तदबीर कर लो, सबकी तदबीरें नाकाम हो जाएंगी, एक तदबीर कर लो, अमेरिका और अफ्रीका मोदी की और योगी की इनकी तदबीरें नाकाम हो जाएंगी और तुम कामयाब हो जाओगे, बस एक तदबीर कर लो, वो क्या, वो शरीयत की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, एक काम कर लो, शरीयत की पाबंदी करने पर अगर नाकामी नज़र आ रही तो कामयाबी है, और शरीयत को छोड़कर अगर कामयाबी नज़र आ रही है तो वह नाकामी है, कल पता चल जाएगा, आंख बंद होते ही जब दूसरी आंख खुलेगी जब पता चल जाएगा। नंबर एक में सच बोलने में रोजी कम नजर आ रही है उसको नजर उसको कम ना समझो, वो ज्यादा है, शरीयत छोड़कर नंबर दो में सूद से झूठ से जी माल ज्यादा आ रहा है वो ज्यादा नहीं है, वो कम है वो ज्यादा नहीं, शरीयत के मुताबिक काम करो, कमाना भी और ख़र्च करना भी, खाना भी और पीना भी जी, कारोबार भी, ये सब चीज़ें जाहिर भी बातिन भी कपड़े भी चेहरे भी ये सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक बना लो, और रोज़ाना अपना मुराकबा मुहासबा करते रहो और अल्लाह से डरते रहो तो इंशाल्लाह देख लेना दुनिया में और आखिरत में भी राहत मिलेगी। राहत बंगले में नहीं है, राहत साजो सामान में नहीं है, ये साजो सामान राहत के ज़रिए हैं, राहत तो अल्लाह डालते हैं, सुकून अल्लाह के यहाँ से मिलता है, सुकून जो है वो शरीयत के मुताबिक चलने में है, वरना सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। आप कितने भी शरीयत से हटकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर चलिए लेकिन आपकी बेचैनी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक औरत ने खुदकुशी की और खुदकुशी करने से पहले एक पर्चा लिखा है, उसमें लिखा कि मैंने हर काम किए, किसी दौलत की कोई कमी नहीं थी, सारे साधु सामान भी इकट्ठे किए और सारी ख्वाहिशात पूरी की, मगर मेरी बेचैनी बढ़ती गई, इसलिए मुझे खुदकुशी करनी पड़ रही। रास्ता हाथ नहीं आएगा, शरीयत को छोड़कर रास्ता हाथ नहीं आएगा। अब तो कहते हैं घबरा के कि मर जाएंगे, और मर के भी सुकून ना मिला तो कहाँ जाएंगे, वो कब्र भूल गए हैं, वो हश्र भूल गए हैं, वो जहन्नम भूल गए हैं, वो पुलसरात भूल गए हैं, वो हिसाब किताब भूल गए हैं। इक़रा किताब कफ़ा बिनफ्सिका अल्यौम अलैका हसीबा, ये आज रिजल्ट आज पेपर हाथ में है और मौत पे छीन लिया जाएगा और रिजल्ट सामने आ जाएगा मरने के बाद। अपना अमान नामा पढ़ ले, अपना रिजल्ट देख ले और ख़ुद फैसला कर ले तुझे कहाँ जाना है। मरते ही इसकी रूह ऊपर जाती है इज्जत के साथ और या भाई नीचे जाती है जिल्लत के साथ। गौर करें फिकर करें और जमीन आसमान के निज़ाम में गौर करें और फिकर करें तो अल्लाह की कुदरत समझ में आएगी। अल्लाह की कुदरत को बोलें, अपने बच्चों को रोज़ाना समझाएं, अल्लाह की तौहीद समझाएं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत समझाएं, फरिश्तों पर ईमान लाना समझाएं, और भाई दोस्तों आसमानी किताबों को समझाएं, अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा करें, ईमान भी तकदीर को समझाएं, आखरत को समझाएं, एक एक मज़मून को रोज़ाना लेते रहें समझाते रहें, इससे अंदर में ईमान उतरेगा और ये जहन्नम से बचने की तदबीर करना है। अल्लाह मुझे भी तुम्हें भी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله رب العالمين